भाइयों 19वीं सदी 1858 ईस्वी में बटियाना का नाम बदलकर सिरसा कर दिया गया। 20वीं सदी 1947 ईस्वी में वहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम बट्टी राजपूतों को वहाँ से हिंदू मुस्लिम के नाम पर निकालकर राजपूतों का कत्लेआम कर दिया गया। उसके बाद 21वीं सदी में जो थोड़े से गांव बाटी राजपूतों के बच गए हैं सिरसा जिला में, थोड़े से वहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति जो लगवाई है उसको खंडित करकर क्षत्रियों का खात्मा किया जा रहा है। तो भाइयों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भाइयों बटियाना जिसको आज तो सिरसा कहते हैं, लेकिन हजारों सालों से उसका नाम हमारे पुरखों पर चंद्रवंशी जदुवंशी राजपूतों के नाम पर बाटी राजपूतों का बटियाना कहलाता था। जैसे बटनेर था एक साइड जो आज हनुमानगढ़ है, बटनेर का ही ये बॉर्डर पड़ता है सिरसा जो हरियाणा में पड़ता है। ये सिरसा हिसार से लेकर फतेहपुर तक का सारा इलाका इसको बटियाना कहलाते हैं। सिरसा नाम तो इसका अंग्रेजों ने बाद में दिया है, लेकिन आज सिरसा नाम देकर पहले हमारी आइडेंटिटी क्राइस कर दी जो बटियाना बट्टी राजपूतों के नाम से जाना जाता था। आज वहाँ पर बाटी राजपूत एक सरपंच ने रंधावा गांव में वो मूर्ति लगाई थी, उसको कुछ टुच्चे लोगों ने जिनको उन्होंने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, जब माँ बहनें लुट रही थी तो महाराणा प्रताप लड़े थे तो उनकी मूर्ति लगवाई। वैसे तो बहुत सारे योद्धा लड़े थे बाटियों में, बहुत सारे योद्धा थे, मैं तो कहता उनकी मूर्ति लगवानी चाहिए थी, लेकिन चलो उनके दिमाग में क्या है, उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई तो उसको खंडित करने का काम किया गया है, वो भी चोरी छुप के रात को। तो सभी अगर तुम्हारी गांड में इतना ही दम होता तो सामने आकर करते ना। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये किसी और धर्म ने नहीं किया, अपने ही कुछ लोग कर रहे हैं।